हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सेट आया हुआ था ओप्पो का, जो कि रिपेयर के लिए मेरे शॉप पे आया हुआ था गाइज, ठीक है। तो गाइज, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सेट पटका हुआ है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो डिस्प्ले लगने के लिए मेरे पास आया हुआ था। यहाँ पे जो कॉम्बो होता है गाइज, वो लगने के लिए आया हुआ था। तो गाइज, मैंने जब इसके अंदर कॉम्बो डाला तो गाइज ये जो सेट है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही डेड कंडीशन में ये सेट है, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि इसको पटकने की वजह से ये सेट ऑफ हो गया है और इसकी जो डिस्प्ले है वो भी चली गई है। तो यहाँ पे गाइज मैंने डिस्प्ले दूसरा डाल दिया है, बट जो कि सेट को यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ तो सेट यहाँ पे ऑन हमारा नहीं हो पा रहा है गाइज, ठीक है। तो यार, आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और सिंपली इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे गाइज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पे पहले बैटरी कितनी चार्ज है उसको चेक करा देता हूँ। दूसरी चीज, हम अपने जो मल्टीमीटर है, सॉरी, हमारा जो डीसी मशीन है उसके ऊपर जो है इनको हम ऑन करके एक बार देखेंगे गाइज, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो बैटरी चार्ज कितनी है उसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। उसके लिए गाइज आपको अपना मल्टीमीटर है डीसी वोल्टेज पे सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मल्टीमीटर है, और यहाँ पे मैंने जो है अपना डीसी मशीन को यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक बार इनकी अगर बैटरी चार्जिंग की गाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3.5 वोल्टेज बैटरी इसकी चार्ज है, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, गाइज यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइज। तो चलो एक बार ये इसको डीसी मशीन के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन के ऊपर हमारी जो रीडिंग है वो क्या देखने को मिलती है। तो उसके लिए गाइज इसके ऊपर जो अपना जो बूट केबल है वो मैं पहले यहाँ से ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है। तो गाइज यहाँ पे ये हमारा एंड्रॉइड बूट केबल मिल चुका है इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली चलते हैं पहले अपने डीसी मशीन के ऊपर यहाँ पे। तो यह है हमारा डीसी मशीन गाइज, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली अभी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। बैटरी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और बैटरी को निकालने के बाद यहाँ से इसका बूट केबल को हम यहाँ पे लगा देते हैं गाइज, ठीक है। देखो गाइज, जैसे मैंने इनका जो ये बूट केबल लगाया वैसे ही देख सकते हो कि रीडिंग पे 3 एम्पेयर हमारा रीडिंग ले रहा है। देख सकते हो गाइज, जैसे मैंने बूट केबल को इसके साथ मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो हमारा जो डीसी मशीन का जो देख सकते हो पूरा का पूरा 3 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये डिवाइस। अब देख सकते हो, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे इसको अगर हम यहाँ पे जैसे इनका जो है वो कनेक्ट करते हैं तो देखो गाइज यहाँ पे 3 एम्पेयर हमारा यहाँ पे रीडिंग कंज्यूम हो रहा है। उल्टा लगने की वजह से भी इस तरीके की होती है, तो आप यहाँ पे एक बार पॉइंट को चेंज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक बार जो है इसको चेक कर लेता हूँ। तो गाइज इस कंडीशन में भी यहाँ पे 3 एम्पेयर हमारा जो रीडिंग कंज्यूम हो रहा है गाइज, ठीक है। तो गाइज इसका मतलब ये है कि डिवाइस के अंदर गाइज शॉर्टिंग है, और शॉर्टिंग के वजह से सेट चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि सेट जो है गाइज वो पटका हुआ सेट है। फिलहाल किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ था, ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले के लिए ही रिपेयर के लिए आया हुआ था गाइज, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो डेड है। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले मदरबोर्ड को हम बाहर निकालते हैं, और जो है गाइज जहाँ जहाँ पे शॉर्टिंग होने की ज़्यादा संभावना होती है उस चीज़ को हम यहाँ पे पहले ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारा नेटवर्क सेक्शन को ऑन यहाँ पर से ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे दूसरा सेक्शन जो हमारा है लाइट सेक्शन, जो कि हमारा जो यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी लगी होती है डीसी टू डीसी आईसी, वो वाले सेक्शन को ऑन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो पटकने के बाद शॉर्ट होता है तो कई बार आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, ज़्यादातर जो कैप है वो शॉर्ट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने मदरबोर्ड बाहर निकाल दिया है। फिलहाल काम किसी ने इसके ऊपर किया हुआ नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट ये जो है वो ओके, ठीक है। चलो फटाफट ये केन ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ये डीसी टू डीसी आईसी है इसका भी केन ओपन कर लेते हैं गाइस। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि आप जो है यहाँ पे मैंने इसका जो केन है वो फिलहाल ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से गाइज है क्या कि आपको एक चीज़ कंफर्म पता चल जाएगा फोन के अंदर शॉर्टिंग हमारा है या नहीं है गाइज, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली करना है कि हम मल्टीमीटर को अभी हम बीप मोड पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको साउंड जो है वो समझने सुनने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखा हुआ है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम एक बार जो है सिंपली इसको चेक कर लेते हैं नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। देखो गाइज एक साइड बीप आ रही है, यहाँ पे आपको साउंड भी सुनने को मिल रहा होगा, और दूसरे साइड भी यहाँ पे देखो चेक कर लेते हो, यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है गाइज कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा इस वाले सेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ जो है इसके ऊपर चलते हैं गाइज। ये हमारे डीसी टू डीसी आईसी है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ गाइज यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो गाइज ये भी केन है इसको भी सिंपली हम यहाँ पे ऑन करेंगे, जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए यहाँ पे सेक्शन होता है, जो कि बूस्ट करने के लिए यहाँ पे सेक्शन होता है नेटवर्क को। तो यहाँ पे ये भी केन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो जो भी पैक है बिल्कुल, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे दोनों सेक्शन को मैंने फिलहाल ओपन कर दिया है, जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये हमारा बूस्ट करता है हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो गाइज यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, एक साइड बीप आ रही है, दूसरे साइड चेक कर लेते हैं, इधर भी बीप आ रही है, ठीक है। मतलब गाइज यहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है।
फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इस मल्टीमीटर से, मतलब प्रॉप चेंज करके। देखो यहाँ पे बीप आ रही है और इधर भी बीप आ रही है गाइस, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। वैसे हमारा जो डीसी मशीन है वो चीज़ कंफर्म कर रहा था कि फ़ोन के अंदर गाइस शॉर्टिंग है हमारे, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो कैप है गाइस ये शॉर्ट हो जाता है अक्सर, मैंने देखा है काफ़ी सारे फ़ोन में। तो जो कि इस तरीके का ओप्पो का A12 है, ओप्पो A12 जो ओप्पो A12 है और यहाँ पे A5S है, वो उन दोनों के अंदर ज़्यादातर मैंने इनको जो है वो शॉर्ट होते देखा है। तो कोई बात नहीं, एक बार ये कैप को यहाँ से मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया, यहाँ पे है ये, इसको मैंने साइड से तोड़ दिया। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, देखो गाइस अभी भी यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं और इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारी यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ, ठीक है। तो इधर चेक कर लेते हैं इस कॉइल के ऊपर, देखो यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलना चाहिए। ये देख सकते हो ये शॉर्टिंग यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। उसके बाद इस वाले कैप को चेक कर लेते हैं गाइस, देखो इस कैप पे भी शॉर्टिंग आ रही है। और गाइस आप अगर सही से देखते हो गाइस, तो यहाँ पे देखो ये जो कैप है ये थोड़ा सा डायमंड टाइप का लग रहा है देखने में, ये वाला कैप थोड़ा सा इसके ऊपर में लाइनिंग है, ये शॉर्ट भी है। तो एक बार इसको तोड़ के हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको तोड़ने के बाद गाइस नहीं हटता है तो रोजिन पेस्ट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाइस सब कैपेसिटर को तोड़ तोड़ के देखने का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे जो है, वैसे तो ये भी डैमेज लग रहा है, बट इसको पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हटा के क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, देखो अभी भी शॉर्ट आ रही है, अभी भी यहाँ पे शॉर्ट आ रही है गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग है, तो इसको हम रोजिन पेस्ट का अप्लाई करेंगे। इसका जो गाइस लाइट सेक्शन है गाइस, वो लाइट सेक्शन को की तरफ जो मुझे देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये लाइट सेक्शन इसके अंदर है, इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी ये जो केन है इसको भी सिंपली हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो फटाफट रोजिन पेस्ट अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कौन सी चीज़ हमारी शॉर्ट आ रही है, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस यहाँ पे शॉर्टिंग फिलहाल हमारी जो है वो फाइंड हो चुकी है गाइस, अभी आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखो गाइस यहाँ से अभी साफ आपको दिख रहा होगा कि फ़ोन की जो शॉर्टिंग है वो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई है, जो कि जो इनके जो एक कैप है वो देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला कैप देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से डैमेज है गाइस, और ये 110% गाइस ये जो कैप है वो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कैप है इसको हम एक बार पहले बाहर निकालते देख सकते हो गाइस, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला कैप गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसको गाइस अभी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं एक बार आपके सामने बिल्कुल लाइव, ठीक है। तो क्योंकि इसका कलर भी काफ़ी डिफरेंट हो गया है और ये जला हुआ भी लग रहा है, थोड़ा सा ये पीला कलर का हो चुका है, थोड़ा इनका जो कलर है वो येल्लो बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से गाइस पहले मैं इसको यहाँ से इस तरीके से तोड़ देता हूँ, ठीक है। ये टूट नहीं रहा, काफ़ी हार्ड बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे पेस्टेड आईसी है ब्लैक वाली। तो इस तरीके से हल्का सा मैं इधर से इसको, सॉरी गाइस, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे दूसरा भी कैप यहाँ से टूट गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आपको बहुत आराम से काम लेना है, और ये उड़ भी चुका है गाइस, यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रही थी वो यहाँ से टूट गई है, बट यहाँ से ये उड़ चुकी गाइस। तो यहाँ पे दोनों कैप को आपको लगाना होगा, जो कि यहाँ पे किसी मदरबोर्ड से आप निकाल के लगा सकते हो गाइस, ठीक है। चलो तो एक बार ये अभी और शॉर्टिंग को हम चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर के ऊपर कि यहाँ पे बीप दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस कॉइल पे हमारी बीप आ रही थी, जो कि हमारी आउटपुट लाइन यहाँ से VPH बनता है, तो इस पर अगर चेक कर लेते हैं, देखो गाइस अभी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप दिखा देते हैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के ऊपर भी, देखो ये ग्राउंड आ रही है ऐसे, अगर इस तरीके से चेक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही और इधर भी नहीं आ रही है। तो एक बार मैं अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और इसको मैं अभी डायोड मोड के ऊपर यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, और अभी इस कंडीशन में एक बार हम अगर चेक कर लेते हैं इसके ऊपर, तो देखो गाइस यहाँ पे ये यह शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे रीडिंग हमारी दिखा रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस साइड भी यहाँ पे जो नेटवर्क हमारा, जहाँ से हमारा बूस्ट होता है गाइस, वोल्टेज बनता है 4G के लिए, यहाँ पे देखो एक साइड बीप है और दूसरे साइड देखो गाइस यहाँ पे रीडिंग हमारी आ रही है, ठीक है। चलो तो गाइस यहाँ से शॉर्टिंग इसकी फिलहाल फाइंड हो चुकी है, और वो कैप जो है सिंपली आपको लगाना है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को यहाँ पे पैक कर लेता हूँ, सेट को एक बार ऑन करके यहाँ पे मैं देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, बैटरी को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक बार यहाँ से मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ।
तो देखो गाइज यहाँ पे सिंपली सेट हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल ही लाइव आपके सामने फोन डिवाइस शॉर्ट था हमारा, और उस कंडीशन में हमारा जो है वो, यहाँ से मैं लाइट को पहले एक बार ऑफ कर देता हूँ। देखो लाइट मैंने ऑफ कर दिया, सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट चालू हो रहा है, ठीक है। और ये एक कैप शॉर्ट था हमारा, जो कि ज़्यादातर गिरने की वजह से गाइज कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, बहुत माइनर ऐसा केस होता है गाइज जिसके अंदर आईसी शॉर्ट आपको देखने को मिलता है गाइज, ठीक है फ्रेंड। देखो फिलहाल यहाँ पे सेट हमारा चालू हो चुका है, अब कस्टमर को देने के लिए सेट रेडी हो चुका है गाइज। देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें वर्क भी हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्ले लगाना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ये वर्क कर रहा है गाइज, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है गाइज ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।